देख सकें। वो लेके आए एंटी यूथ ऑर्डर, उसको जल्द से जल्द रिवोक करें, नहीं तो यूथ इसी तरह एक रेगुलेशन के तहत सड़कों पे आता जाएगा। हम यहाँ किसी को रोड ब्लॉक करने नहीं आए, हम किसी को परेशानी देने नहीं आए, हम अपना एक मैसेज लोगों के थ्रू लोगों तक पहुँचाने आए हैं, और इन्हीं लोगों के थ्रू हम ये चाहते हैं कि जो मैसेज है जेके गवर्नमेंट, जो हमारी गूंगी बैरी सरकार है, उन तक पहुँचे। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ाने का ठेका इन्होंने लेके रखा हुआ है अभी, ये उसके बारे में सोचें और इस ऑर्डर को रिवोक करें। आपने ये जो मुंह पर मखोटा चढ़ाया है, इसका क्या मकसद है? मैम, ये सिर्फ साइन है एक रेवोल्यूशन का, हम ये दिखाना चाहते हैं, ये जो साइलेंट प्रोटेस्ट है हमारा, कि ये जो पोस्टें इन्होंने 2019 से पहले वापस नहीं है, चाहे वो फाइनल स्टेजेस पे थी, चाहे वो कोर्ट में थी, चाहे कुछ के रिटर्न हुए थे, कुछ के वॉक टेस्ट हुए थे, हम चाहते हैं कि वो पोस्टें हमें वापस दी जाएँ और 6 महीने के अंदर एक टाइम फ्रेम बना के, एक पॉलिसी बना के उसको कंप्लीट किया जाए, उनकी लिस्टें फाइनलाइज की जाएँ, और उसके बाद जो गवर्नमेंट हमें काफ़ी देर से सत्यपाल मलिक जी के टाइम से लॉलीपॉप मिलता आ रहा है, 20,000 पोस्टें, 10,000 पोस्टें, 50,000 पोस्टें, वो पोस्टें हमें दी जाएँ उसके बाद, और उनको अगर नए रूल्स के रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से आप फाइनलाइज करना चाहते हो तो आप उनको उस हिसाब से फाइनलाइज करो, बट जो हमारी पेंडिंग पोस्ट हैं वो एज इट इज़ हमें मिलनी चाहिए और वो फाइनलाइज होनी चाहिए। तो आपको नहीं मिली तो आपकी तरफ से आगे क्या रहेगा? मैम, हम ऐसे ही रोज़ प्रोटेस्ट करेंगे, रोज़ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। साइलेंट तरीके से प्रोटेस्ट आपका माना जाएगा? मैम, कभी ना कभी तो ये जो गूंगी बैरी सरकार है, कभी ना कभी उन्हें दिखेगा, सुनाई देगा कुछ ना कुछ, हमारा शोर तो उन तक पहुँचा नहीं, शायद हमारी चुप्पी पहुँच जाए, शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए उनको,